नमस्कार अभी सर, जिम्मे तुम्हें पता अपनी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अपने हिस्ट्री के पहला 54 लैक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, अब लैक्चर नंबर 55 है। 54 लैक्चर के देखा से आप गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल जॉर्ज बारलो से खत्म किया। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल चल रहा अपना, तो उस तो बाद अज का लैक्चर आप अगे चलाने। ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए मैं लैक्चर शुरू करता है। हैडिंग लिखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल, ठीक है भाई। तो सब तो पहला अज की हैडिंग हैगी है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल, ठीक है भाई। प्लीज़ एक वीडियो ना लाइक करया करो, शेयर करया करो, तो सबसक्राइब करया करो भी, ठीक है, जो ध्यान देख रहे वीडियो। तो देखियो भाई, आप पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल बेंगोल, ये अपना टॉपिक चल रहा है, पूरे का पूरा कंप्लीट करा आप। तो उस तो बाद ठीक है भाई, तो गवर्नर जनरल जो इस तो बाद आया से आप जॉर्ज बारलो तक लिख लिया, जॉर्ज बारलो तो बाद आया सीगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो पहला, ठीक है भाई। लॉर्ड मिंटो एक होर आएगा, तो यह लॉर्ड मिंटो फर्स्ट सीगा, यदा टाइम पीरियड सीगा 1807 तो लेके 1813 तक। लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड सीगा 1807 तो 1813। आप किहड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल। अच्छा, यदा जो सीगा भाई अंग्रेज ही सीगे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल, बेंगोल का गवर्नर जनरल, बाद कहते हैं इंडिया का गवर्नर जनरल, बाद वाइस राय, ठीक है, नाम चेंज हो गए सी अंग्रेज ही। उस तो बाद सब तो पहला जो ये आया ये की हुई, तो ये समझौता होया ट्रिटी, ठीक है, ऑफ अमृतसर, अमृतसर की ट्रिटी, ठीक है भाई। तो अमृतसर की ट्रिटी, अमृतसर की ट्रिटी किन्ना नाल हुई सी, तो महाराजा रणजीत सिंह जी नाल, तो किन्ना नाल हुई सी, तो महाराजा रणजीत सिंह भाई। आप पंजाब जी के च पढ़ांगे महाराजा रणजीत सिंह, उदो दसांगे महाराजा रणजीत सिंह ने की कुछ किया सीगा। तो इतने समझौता होया, ये समझौता कदों होया सी भाई, पेपर च बहुत बारी पूछा गया। तो 1809 च समझौता आया अमृतसर का समझौता। अमृतसर के समझौते दे विच की होया सी, लॉर्ड मिंटो ये अंग्रेज है, तो रणजीत सिंह यह एक राजे सीगे, इन्हां च समझौता होया सी भी कदे भी अंग्रेज ना मतलब इन्हां ते अटैक नहीं करनगे, तो जिहड़ी आह हैगी है मतलब महाराजा रणजीत सिंह हरी है, ये भी कदे सिख राजा इन्हां ते अटैक नहीं करनगे अंग्रेज ते, मतलब कहने का मतलब आपस च नहीं लड़नगे, ना तो अंग्रेज अटैक करनगे सिखां ते, ते ना ही सिख अटैक करनगे अंग्रेजां ते, गल क्लियर होगी। तो इसलिए समझौता होया सी क्योंकि कितें ना कितें जिहड़े अंग्रेज सी महाराजा रणजीत सिंह तों डरदे सीगे, इन्हां दा इक दबदबा सीगा महाराजा रणजीत सिंह दा, महाराजा रणजीत सिंह दा दबदबा सी। जदों इन्हां दी डैथ होई है उह तां बाद च अंग्रेज हैवी होया, जदों तक महाराजा रणजीत सिंह बैठे सीगे इन्हां दी हिम्मत नहीं पई बई इह कब्जा कर लैण पंजाब। उस तो बाद फिर देखो एक होर समझौता आता हो गया ना क्लीयर, तो ये टाइम से लॉर्ड मिंटो के टाइम से होया सी भाई, ये लॉर्ड मिंटो ने किया सीगा। उस तो बाद तो होर की होया, ये टाइम से आया सी चार्टर एक्ट कदों आया 1813 च आया। चार्टर एक्ट का मतलब समझियो बई, पहला ना ये व्यापार करना आए थे, कंपनी सी बई, आप पढ़े ना ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी से व्यापार करना आए थे। जो ये व्यापार करना आए थे ना 20 साल का मतलब इन्हों का टाइप पूरा होंगे सीगा, 20 साल का व्यापार करेंगे वो बाद दे विच ना, ये चार्टर एक्ट का मतलब यह है, यह इन्हों का टाइम पीरियड पूरा हो जाता सीगा, मतलब 1813 च इन्हों का कार्यकाल पूरा हो गया सी। पर यह हुण की है, यह गवर्नर जनरल बन चुके हैं, यह आप ही आपका टाइम पीरियड बढ़ा लेंदे सीगे, मतलब बई इन्हों का पहला टाइम पीरियड की सीगा, ध्यान समझियो जिवें पिछे दस्सिया सी 1793 च पूरा होया सी। 1793 च आप पढ़िया उदो इन्हों का कार्यकाल पूरा होया सीगा, 1793 तो बाद इन्होंने 20 साल होर बढ़ा लिया, आप ही बधा लेंदे सी, आप ही राजे बने बैठे है, आप ही सब कुछ करनगे ये अंग्रेज। तो चार्टर एक्ट का मतलब सी कोई कंपनी व्यापार करना ही है, आपका टाइम पीरियड बढ़ा रही है, उन्होंने कहें चार्टर एक्ट। 13 तो बाद यही 20 साल बाद बधेगा भी, 20 साल बाद बधेगा, ध्यान रखियो चार्टर एक्ट का मतलब यह सीगा, गल क्लीयर हुई। ये टाइम से दो ही काम होए, एक तो चार्टर एक्ट आया कदों आया 1813 च, तो एक ट्रिटी अमृतसर की हुई महाराजा रणजीत सिंह नाल। उस तो बाद जिहड़ा आया वह नाम सीगा, उस तो बाद आ गया सीगा लॉर्ड हेस्टिंग्स जिहदा टाइम पीरियड सी 1813 तो लेके 1823। लो भाई इहदा दबदबा रहा है क्यों, क्योंकि लड़ाई दे विच बहुत ज़्यादा मशहूर सीगा लॉर्ड हेस्टिंग। सब तो पहले इन्हें की किया, फर्स्ट एंगलो किन्हां नूं कहिंदे, अंग्रेज़ां नूं, इन्हां नूं, ठीक है, फर्स्ट एंगलो नेपाल वार भई, इनू इत्थे कोई मिलिया नहीं लड़न वास्ते, इसलिए कित्थे पहुँच गया, नेपाल पहुँच गया, तो नेपाल
जित भी लिया, नेपाल जित लिया, तां ये नेपाल वाली हार गए ते एंग्लो वाले जित गए। इन्हां च कि समझौता होया, इन्हां च समझौता होया ट्रिटी ऑफ संघाली। भाई जिहड़ी संघाली वाली जगह सीगी नेपाल वालियां दी, वो किहनू देनी पई? एंग्लो वालियां नू देनी पई। फिर उस तो बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार, भाई तीजी एंग्लो मराठा वार हुई, तीजी एंग्लो मराठा वार हुई जिहदे विच मराठे हार गए ते एंग्लो जित गए। गल क्लियर हो गई? तां देखो पहला नेपाल हार गए, फिर मराठे हार गए, इस तो बाद फिर होर केड़ी लड़ाई हुई सी? तां इन्हां ने कीता सी ट्रिटी, ट्रिटी ऑफ पुन्ना, पुन्ने दा समझौता कीता सीगा। पुन्ना दा समझौता किन्हां नाल कीता सी? पेशवा वंश नाल। भी पेशवा वंश भी हारे। भाई देखो ये लड़ाई च किन्ना दबदबा रखे ने किने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा वंश भी हराया, मराठे भी हराते, नेपाल वाले भी हराते, मतलब लड़ाई च दबदबा सीगा। इतों तक कि जेडे पहले लुटेरे होंगे सी पिंडारी कहते सी, पिंडारीस, ठीक है, आप लिखते हैं पिंडारीस, पिंडारीस। भाई तुसी वीर फिल्म देखी होगी सलमान खान की, उससे सीगे पिंडारी। ये की करते सी? मतलब भाई कोई बारात जारी होंगी सी उन्होंने लुट लेंदे सीगे, ठीक है, लुटेरे सीगे एक हिसाब दे, उन्होंने बाहर कढ़िया, इंडिया तो बाहर कढ़िया। डर पै गया सी किन्हां नूं? पिंडारियां नूं, भाई कितने लॉर्ड हेस्टिंग ना आ जाए। इन्ना डर पाता सीगा किने? ब्रिटिश ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने किन्ना ते? पिंडारियां ते। तां पिंडारियां नूं बाहर कढ़ाया, अद्धे तां जान तों मरवाते ते अद्धे, ठीक है, अद्धे जान तों मरवाते ते जिहड़े सीगे वो डरदे मारे भज गए। ये सीगा लॉर्ड हेस्टिंग, दबदबा रहा इहदा लॉर्ड हेस्टिंग दा। उस तों बाद देखदे हां किहड़ा आया, पहले उहनूं नोट करो। हाँ भाई, फिर उस अगे तों चल। बाद आ गया सीगा लॉर्ड एमहरेस्ट, एमहरेस्ट जिहदा टाइम पीरियड सी 1823 तो लेके 1828। एने की किया? एने लड़ाई लड़ी एंग्लो वर्सस बर्मा वार। कि लड़ाई लड़ी? एंग्लो तो ये आप ही हो गए, वर्सस बर्मा तो बर्मा नाल लड़ाई लड़ी जिदे बर्मा की हार हो गई। ये लड़ाई कदों तक चली? ये चली सी 1824 तो लेके 1826 तक, ठीक है भाई। तो 1826 से बर्मा हार गया, तो बर्मा नाल कि समझौता होया? ट्रिटी ऑफ, ट्रिटी ऑफ गंडाबो, गंडाबो। भाई जेड़ा गंडाबो वाला एरिया सीगा, आह गंडाबो वाला एरिया सी, ये किन्हां दा कब्जा हो गया? इससे कब्जा हो गया सीगा अंग्रेजा दा। उस तो बाद फिर अंग्रेजा दा, फिर इन्हां ने 1827 च, 1827 च, ठीक है, मल्या पेनिनसुला, पेनिनसुला भाई यही जगह पैंदी है थाईलैंड च, तां इन्हां ने थाईलैंड ते भी कब्जा कर लिया। देखो भाई एमहरेस्ट ने 1823 तो 1828 आया, पहला तो इन्हें बर्मा नूं हराया, बर्मा नूं हरा के गंडाबो ते कब्जा किया। बाद च इन्हें थाईलैंड ते पेनिनसुला जिहड़ा थाईलैंड च पैंदा है उसते भी कब्जा कर लिया। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य एक बहुत वड्डा साम्राज्य बनन जा रहा है ते बन भी गया। हौली हौली इन्होंने काफ़ी फैला, ये अफगानिस्तान तक पहुँच गए सीगे। ये जो लिखे आपां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बारे पढ़िया सीगा। गल क्लियर हो गई? अज्ज लैक्चर च इन्ना बहुत है, आपां नैक्सट लैक्चर च पढ़ांगे भी अगला कौन सीगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये पैदल ही चलेगा सारा लैक्चर। जे तुहानूं वीडियो पसंद रही तो प्लीज़ लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करियो। हजे वीडियो होर आंदियां रहणगियां। सब नूं सति श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे, थैंक यू।